हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। कॉर्पोरेशन चुनाव नजदीक आ रहा है और अब सभी उम्मीदवारों की पार्टी दफ्तर का उद्घाटन शुरुआत तेजी से हो रहा है। ऐसे में कल एनसीपी पार्टी के जावेद मेडिकल के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। ऑफिस का उद्घाटन खुद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने रिबन काट कर की है। जानकारी के मुताबिक अब की बार जावेद मेडिकल भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगे। भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का आज 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रविवार की सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 शिवाजी पार्क में किया जाएगा। इसी बीच राज्य सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। उनकी मौत का कारण मल्टी ऑर्गेन फेलियर बताया जा रहा है। पिछले 29 दिनों से वो कोरोना से जंग लड़ रही थी और देश के कोने कोने से लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने के लिए यज्ञ किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी स्वर कोकिला जिंदगी की जंग जीत न सकी और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 2 अज्ञात लोगों ने किराने की एक दुकान के मालिक को गोली मारकर घायल कर दिया है। शहर पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि चेतन ठक्कर 30 वर्षीय शनिवार करीब रात 9:30 अपनी दुकान बंद करने के बाद 2 लाख रुपए नगद लेकर कोलबाद इलाके स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी 2 लोग एक दोपहिया वाहन पर सवार होकर वहां पहुंचे और उन्हें 3 गोलियां मारने के बाद फरार हो गए। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में जैसे 307 हत्या का प्रयास और 34 सामान्य इरादा तथा शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे की डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस ने बैंकों को अलग अलग कंपनियों के नाम के फर्जी चेक देकर ठगने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग मजे करने के लिए ठगी करते थे और अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी कर चुके हैं। आरोपी ठगी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उन कंपनियों का पता लगाते थे जिनका संबंधित बैंक में खाता है। इसके बाद वो लोग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों और उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखते थे। इस तरह से वो लोग चेक की डिटेल्स इकट्ठा कर लेते थे और फिर उसी कंपनी के नाम पर फर्जी चेक तैयार कर बैंक से पैसे निकालते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के ऐसे 5 मामले उजागर किए हैं। मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर मुंबई और गुजरात से ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल से आने जाने वाले नागरिकों के शर्ट के ऊपरी जेब में रखे मोबाइल फोन को लूट करने वाले 3 आरोपियों को मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अपराध शाखा यूनिट 2 की टीम ने वालियो पुलिस स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए 14 मोबाइल सिम और 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 3 लाख से ज़्यादा का माल बरामद किया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।